गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन टू व्हाट आई विल टीच टुडे। आई विल टीच टुडे डायमेंशनल इक्वेशन। करेक्ट, द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द गिवेन फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी और उसके डायमेंशनल फार्मूला से हम इक्वेट करके, इक्वलाइज करके जो इक्वेशन ऑब्टेंड होता है उसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। किसको? किसी फिजिकल क्वांटिटी और उसके डायमेंशनल फार्मूला को हम इक्वलाइज कर देते हैं और उससे जो इक्वेशन ऑब्टेंड होता है उसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स, तो फोर्स यहाँ पर हो गया इक्वल उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन फोर्स का। जस्ट लाइक प्रेशर का, तो डायमेंशनल इक्वेशन फॉर प्रेशर, तो प्रेशर इक्वल डायमेंशनल, ये उसका फॉर्मूला लिख दिए, तो ये हो गया आपका डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ प्रेशर। अब यहाँ पर हम लोग को स्टडी करना है सम डायमेंशनल फॉर्मूला एसआई यूनिट और उसका फिजिकल क्वांटिटी का नाम। फर्स्ट का रहा है एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन भाई? तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी का डायमेंशन रख देंगे और टाइम का, चाहे टी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एल टी पर पावर माइनस वन है और एक ये टी चला गया तो टी पर माइनस टू मीटर पर सेकेंड। ये किसका हो गया भाई? तो ये हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन। जस्ट लाइक अब मोमेंटम का फाइंड करना है, तो मोमेंटम इक्वल होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ मास का रखेंगे डायमेंशन और यहाँ पर वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम एल टी माइनस वन, ठीक है ना, ये हो जाएगा मोमेंटम का डायमेंशन। ठीक हो जाएगा, इसके लिए के जी इसको मीटर पर सेकेंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा के जी मीटर पर सेकेंड्स। जस्ट लाइक फोर्स का, फोर्स इक्वल क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर मास के लिए एम और एक्सेलरेशन का डायमेंशन रख दीजिए एल टी पर माइनस टू, तो हो जाएगा फोर्स का एम एल टी पर माइनस टू पावर, इसका यूनिट होता है न्यूटन। जस्ट लाइक वर्क का, तो वर्क इक्वल, तो वर्क इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब यहाँ पर फोर्स के लिए एम एल टी पर माइनस टू और डिस्टेंस के लिए एल इंटू कर देंगे, तो ये एम आई एल एल स्क्वायर और टी पर माइनस टू, तो वर्क का हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर माइनस टू और इसका यूनिट हो जाएगा जूल। एनर्जी का, तो एनर्जी इक्वल होता है अमाउंट ऑफ वर्क, जो वर्क डन करने की कैपेसिटी होती है उसकी एनर्जी बोलते हैं, इसका डायमेंशन, तो जो वर्क का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो ये हो जाएगा जूल। अब पावर, पावर इक्वल क्या होता है भाई? तो वर्क अपॉन टाइम। वर्क का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बाई टी, अब टी को ऊपर ले जाइए तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री पावर हो जाएगा और इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकेंड, या इसको हम वाट बोलते हैं। जस्ट लाइक प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन इक्वल क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ फोर्स का डायमेंशन रख दीजिए, तो फोर्स का डायमेंशन कितना हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर? फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, तो यहाँ पर रखेंगे फोर्स का एम एल टी माइनस टू और फिर ये एल स्क्वायर एरिया का एल स्क्वायर, इक्वल हो जाएगा एम एल ये और ये जाएगा माइनस टू टी माइनस टू, तो माइनस टू में से ये वन माइनस हो जाएगा, तो
तो माइनस वन बच जाएगा, तो हो जाएगा प्रेशर का एम एल पर माइनस वन और टी पर माइनस टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मोमेंट ऑफ फोर्स आर टर्क के लिए तो ये होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, ये टी मीटर लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट के लिए होता है फोर्स इंटू ये उल्टा ठीक है ना, परपेंडिकुलर होता है डिस्टेंस, तो फोर्स का डायमेंशन रख देंगे एम एल टी पर माइनस टू इन टू एल, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। और जस्ट लाइक अब यहाँ पर आइए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको कैपिटल हम जी से इंडिकेट करते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर बाई मास इंटू मास, ये जी इक्वल हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर बाई मास इंटू मास, यहाँ फोर्स का डायमेंशन रख दीजिए एम एल इस एम एल टी स्क्वायर इंटू डिस्टेंस स्क्वायर मतलब कि एल स्क्वायर बाई मास इंटू मास, इस मास से ये मास कैंसिल हो जाएगा एक के बच जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा एम पावर माइनस वन ठीक है, और ये एल और ये एल क्यूब और माइनस टी पावर टू, तो एम पावर वन एल क्यूब और टी पावर माइनस टू, ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ठीक है ना।